भारतीय पर्यटकों का अंतिम पड़ाव रोहतांग ज्योत तक ही होता है, पर ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि रोहतांग ज्योत से आगे एक अलग ही मायावी नगरी बसी हुई है। रोहतांग ज्योत तो उस मायावी नगरी का गेट द्वार माना जाता है। मायावी नगरी यानी लाहौल स्पीति। यहाँ के दुर्गम क्षेत्रों में कई जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ से प्रारंभ होता है बौद्ध जनजातियों का निवास, लामाओं की नगरी। किब्बर गांव को दुनिया का सबसे ऊंचा गांव माना जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,205 मीटर है। स्पीति के प्रत्येक गांव के बाहर मंदिर के आकार का स्तूप, जिसे ये मने कहते हैं, बना हुआ होता है। ये मान्यता बनी हुई है कि गांव में प्रवेश से पूर्व इस मने का दक्षिणावर्त चक्कर लगाना पड़ता है। गांव में प्रवेश से पूर्व कलात्मक रूप से सजाए गए स्वागत द्वार भी बने होते हैं। स्पीति में कई प्राचीन मोनेस्ट्री या गोनपा देखने को मिलते हैं। कि गोनपा स्पीति का सबसे बड़ा गोनपा माना जाता है। बौद्ध लोग मात्र अपनी लोक संस्कृति के प्रति आस्था नहीं रखते, बल्कि अपने कर्म के प्रति भी उतने ही ईमानदार होते हैं। तभी तो अपने परिश्रम के बल पर इन मरु पर्वतों को हरा भरा बनाया है। इन चट्टानी मरु पर्वत को खोदकर उसे उपजाऊ बनाया है। सेब, आलू, मटर जैसे फल फूल को उपजाकर व्यावसायिक प्रतियोगिता में उतारा है, और अब ये हरी भरी सब्जियां इनके आय का भी स्रोत बन गई हैं। जौ और गेहूं भी अच्छी मात्रा में उपजा लेते हैं, जिसके कारण इन्हें किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। सरकार से भी इन्हें हर प्रकार की मदद मिलती रहती है। सरकार का प्रयास रहा है कि इस रेगिस्तानी क्षेत्र को पेड़ पौधों से हरा भरा कर दिया जाए, और सरकार सफल भी हो रही है। पहाड़ों पर हरियाली इनके जीवन की खुशहाली स्वरूप है। पालतू जानवर भी इनके जीवन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। गाय से दूध तथा भेड़ बकरियों से उनके बाल और मांस उपलब्ध हो जाता है। ट्रैक्टर ही यहाँ के यातायात की मुख्य सवारी है। यदि बाहर से कोई वस्तु लानी हो या भेजनी हो तो ट्रैक्टर ही काम में लाए जाते हैं। पहाड़ की ऊंची चोटियों से निरंतर पिघलती बर्फ झरने की आकृति को घटाती और बढ़ाती रहती है। गर्मी बढ़ते ही झरने काफी बड़े और वेगवान हो जाते हैं, जो पहाड़ों के मध्य चलते सकरे रास्ते को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें पार करना सीधी उंगली से घी निकालने के बराबर ही होता है। यहाँ के रास्ते अति दुर्गम हैं, परंतु सरकार प्रयासरत है कि दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों तक सड़क पहुंचाई जाए, जबकि बर्फ गिरने के कारण सड़क बनाना अत्यधिक कठिन कार्य हो जाता है। फिर भी समय समय पर सड़क निर्माण कार्य कराए जाते हैं। इन ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानी पहाड़ों के बीच जीवन यापन करना सचमुच एक कठिन कार्य है, परंतु बौद्ध लोगों ने अपने परिश्रम के बल पर जीवन को आसान बनाया है। सुरीले गीतों में बजते ये वाद्य यंत्र तथा थिरकते पैर ही इनके जीवन की खुशहाली का प्रतीक है। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।